नमस्ते बाल मित्रों, आज हम धोरण 3 पाठ है 21। अब 20 जो गौरा गौरी हमने पाठ सीखा था, उसके बाद 21 चौथा बंदर यानी कि देखो इस पाठ में एक चित्र दिया गया है। अब अच्छे से ध्यान से देखोगे तो यह चित्रों में आप सभी को ये पाठ समझोगे तो ही समझ में आएगा कि चौथा बंदर किसे कहते हैं। 3 बंदर तो सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो चलो आज हम चौथा बंदर पाठ समझेंगे। देखो, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। यह गांधी जी है, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। आप सभी ने गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा और सभी को पता ही होगा कि बच्चों को हमारे जो देश के नेता है वो सभी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऐसे गांधी जी भी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार एक बच्चा गांधी बापू की कुटी में आ गया। अब साबरमती आश्रम में जब गांधी बापू रहते थे वहाँ पे वो बच्चों को, वहाँ उसके साथ बच्चे भी रहते थे, तो तभी वहाँ पे गांधी बापू की कुटी यानी कि झुपड़ी, उस कुटिया में एक बच्चा आया। बापू ने उससे पूछा, बताओ यहाँ कितने बंदर है? देखो यहाँ पे क्या है, जो बच्चा उसकी कुटिया में आता है वो बहुत छोटा सा है, तो बच्चों से प्यार है इसीलिए वो गांधी बापू क्या करते हैं, बच्चों से पूछते भी है कभी कभी, और नवे सवाल पूछते हैं। तो इस बार उन्होंने पूछा कि यहाँ कितने बंदर है। वहाँ टेबल पर लकड़ी के 3 बंदर रखे हुए थे। वो कुटिया में, गांधी बापू की कुटिया में लकड़ी के बनाए हुए इस तरह के 3 बंदर है। देखो यह 3 बंदर है कि नहीं, इस प्रकार के 3 बंदर वहाँ पे रखे हुए थे। लकड़ी ने, लड़के ने उन्हें देखा और बोला, बापू यहाँ 3 बंदर है। लड़के ने यह बंदर देखे और कहा, यहाँ पर 3 बंदर है। बापू बोले, मुझे तो यहाँ 4 बंदर दिखाई दे रहे। वो बच्चे से मजाक करते हैं और उसे कहते, मुझे तो यहाँ 4 बंदर दिखाई दे रहे। लड़का बोला, चौथा बंदर कहाँ है? तो गांधी बापू ने लड़के को पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, यह रहा चौथा बंदर। यानी कि अब देखो इस पाठ में आपने चौथा बंदर, नाम ही पाठ का चौथा बंदर है, पहले तो हम 3 बंदर के बारे में देखो क्या कह रही है और चौथा बंदर क्यों कहा, लड़के को यहाँ पे चौथा बंदर कहा है। तो 3 बंदर में देखो, पहला बंदर क्या कर रहा है, मुंह पे उंगली रख कर बोल रहा है, चुप हो जाओ। यानी कि हमें कभी कभार अच्छा बोलना चाहिए मगर कभी चुप भी रहना चाहिए। दूसरा कहता है कि आँखों के ऊपर हाथ रखे हुए, बंद कर दी आँखें, तो हमें गलत नहीं देखना चाहिए। यह बंदर हमें यह सीख देता है कि हमें गलत कभी देखना नहीं चाहिए। इसी तरह तीसरा बंदर है, कान के ऊपर हाथ रखे हुए, तो तीसरा बंदर कह रहा है कि गलत सुनना नहीं चाहिए, गलत बोलना नहीं चाहिए, गलत देखना नहीं चाहिए और गलत सुनना नहीं चाहिए। इसी प्रकार चौथा बंदर है, चौथा बंदर यहाँ पर गांधी बापू ने लड़के को बताया। यानी कि बच्चे भी बहुत सारी शरारत करते हैं बंदर की तरह, वो भी बहुत मस्ती मजाक खेलते हैं। तो गांधी बापू बच्चे को समझा रहे कि हमें कभी कभार अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मस्ती बहुत कम करनी चाहिए कि ताकि दूसरे लोगों को हमसे परेशानी न हो। तो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, अच्छा देखना चाहिए यानी कि कभी गलत देखना नहीं चाहिए और गलत सुनना नहीं चाहिए, और हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो यह पाठ आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार 3 बंदर की यह कहानी है। हाँ, इसके ऊपर ये आप कभी कहानी की पुस्तक में से पढ़ना तो आपको भी पता चलेगा कि 3 बंदर की कहानी कितनी अच्छी लगती, मज़ेदार कहानी। तो इसके आधार पर आप कहानी भी पढ़ोगे तो वो भी अच्छी लगेगी और गांधी बापू के बारे में और बहुत सारी जानकारी भी आप लीजिएगा। ठीक है, अस्तु।